हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, माँ दुर्गा का फुल सेटअप, नवरात्रे माँ दुर्गा का फुल सेटअप इस वीडियो में पेंट करने वाले हैं और आपको पूरी तरीके से हर चीज़ बारीकी से जानकारी देंगे कि पपड़ी कैसे छुड़ाएं और पपड़ी छुड़ाने के बाद कौन सा प्राइमर लगाएं और आँखों को सुंदर कैसे बनाएं। और गाइस, इस सुहाने सफ़र पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो माँ दुर्गा का फुल सेटअप पेंट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे माँ दुर्गा हैं और हमारे शेरू भैया हैं और ये राक्षस हैं और माँ सरस्वती हैं, इधर सरस्वती के साथ कार्तिक जी हैं और यहाँ गणेश जी हैं और हमारे गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी हैं। तो गाइस, इनका फुल सेटअप आज मैं पेंट करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में और आप इस वीडियो में बने रहें। और ये बहुत ही रोमांचक यात्रा होने वाली है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें हमने लगातार 10 दिन मेहनत किया गाइस, तब जाके ये पूरी मतलब सेटअप पेंट हो पाया है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अकेला मैंने किया, मेरे साथ कोई हेल्पर या कोई कारीगर और नहीं था, मैं अकेला था। तो गाइस, मैंने बहुत ही इत्मीनान से बहुत ही आराम से काम किया है। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास बीपी का प्राइमर है, जो कि मैं यहाँ पे मूर्तियों, ये मूर्ति है फाइबर की और फाइबर के होने की वजह से इस पर पपड़ी जल्दी बन जाती है गाइस। तो इस पर मैंने पपड़ी हटा के और इस पर प्राइमर लगाया बीपी का, और बीपी का प्राइमर जहाँ जहाँ पपड़ी ज़्यादा छूटा वहाँ वहाँ लगाया और जहाँ जहाँ नहीं ज़्यादा था वहाँ वहाँ मैंने डायरेक्ट कलर कर दिया। और जहाँ जहाँ प्राइमर की ज़रूरत थी तहाँ तहाँ प्राइमर लगा के उस पर जो जो कलर मेन करना था वो हमने कर दिया गाइस। अब सबका सभी देवताओं को मैंने मेन कलर यहाँ पे लगभग कर दिया है, लेकिन कुछ अभी कलर बाकी हैं उनको भी मैं पूरी तरीके से कर देता हूँ, सारी बारीकी का काम कर देता हूँ। मेन काम आता है डिटेलिंग का, क्योंकि गाइस किसी भी मूर्ति का जो सबसे मेन और जो सबसे अहम काम होता है वह होता है डिटेलिंग। क्योंकि मूर्ति की आँखों की चमक और मूर्ति का फेस ही सब कुछ होता है मूर्ति के लिए। और मेन और जो डिटेलिंग होती है वो तो आम होती है, कोई भी कर सकता है, जैसे अपने लिए अंगूठी लगाना, नाखूनी लगाना। तो गाइस, अब माँ दुर्गा का आँखें वाइट करूँगा और सभी देवताओं को पहले मैं आंखें वाइट कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये से सूखने में लगभग एक दिन चाहिए। क्योंकि मान लो आंखों को कोर्निया बना रहे हो, कोई गलती हो गया तो पोछ साफ कर सकते हो, तो अगर ये गीला रहा तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए आंखों को पहले मैं वाइट कर देता हूँ और आंखों करने के बाद और जो डिटेलिंग है उसको करूँगा। तो पहले ये जो मूर्ति है फाइबर की होने की वजह से इसमें सांचे में ढली हुई है और बिल्कुल बारीकी से हर चीज़ इसमें बना हुआ है, तो मुझे कलर भरने में बहुत ही आसानी हो रही है। और आसानी इसलिए हो रही है गाइस, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है। कई कई मूर्तियों में तो ऐसा होता है कि हमें खुद बनाना पड़ता है नाखून और बहुत सारी चीज़ों को स्टेप बाई स्टेप हमें खुद देना पड़ता है, लेकिन यहाँ सब कुछ होने की वजह से बहुत आसानी है गाइस। इसको आपके गांव आपके भाषा में क्या बोलते हैं, मेहावर। ये पैरों मैंने मेहावर भी सबका दे दिया है और हाथों को, और मतलब जहाँ जहाँ मेन ज़रूरत थी तहाँ तहाँ हमने सबको सजा दिया है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं, होंठ बनाएंगे और आंखें बनाएंगे। तो शुरुआत आंखों से करते हैं और यहाँ पे सभी देवताओं का लगभग अन्य श्रृंगार पूरा हो गया, सिर्फ आंखें और होंठ रह गए हैं। तो यहाँ से लाल खून राक्षस भैया पे गिरा रहे हैं, जो कि माँ दुर्गा जब तीर लगाएंगी तो यहाँ से खून गिरता हुआ प्रतीत होना चाहिए। तो इसको मैंने सही से दर्शाया है और आप देख सकते हैं। गणेश जी, इनकी सुंदर आंखें बनाने के लिए मैंने पहले भवें बनाई, गुलाबी का वो बनाया, पहले एक लेयर दिया, फिर उस पर ब्लैक एक लेयर दिया। आँखों की पुतलियाँ बना रहा हूँ गाइस, और उन पुतलियों को बहुत ही ध्यान से इन सभी देवताओं को मैं धीरे धीरे बनाऊंगा, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अगर इंटरेस्टिंग पार्ट मेरे लिए है और आप सभी के लिए है तो है आंखें और होंठ।
क्योंकि यहीं से मूर्ति बोलना शुरू कर देती है। और श्रृंगार आम होता है जहाँ पे आप भी कर सकते हैं, जैसे बाल का, मुकुट का, माला का, और जिस और शरीर का कहीं भी पार्ट हो तो भरा होने को जैसे, मतलब एक ही कलर होने को जैसे, वो आप आराम से अलग अलग कलर को डिवाइड करके कर सकते हैं। लेकिन जो मेन काम होता है आँखों का, तो गाइस आप बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आँखों को किस तरीके से सजाना शुरू कर दिया है। गाइस आपको जानकारी में मैं दे दूँ कि यह मूर्ति का सेटअप जो है नोएडा सेक्टर 78 वेदवन पार्क के पीछे मूर्ति है। ये माँ दुर्गा का सेटअप है पूरा ये, और अभी भी है। आप कभी भी नोएडा सेक्टर 78 वेदवन पार्क आते हैं तो यह मूर्ति आपको देखने ज़रूर मिलेगी। अभी यह नवरात्रि में मैंने पूरा किया और वीडियो समय ना रहते हुए नहीं बना पाया था, तो वीडियो अब मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन आप जब भी आप नोएडा आइएगा तो वेदवन पार्क एक बार ज़रूर घूमिएगा। यहाँ देखने के लिए अनेक प्रकार के, मतलब प्रतिमा हैं जो आपको बहुत ही, मतलब एक तरीके से इतिहास में ले जाएंगी। और ये वेद वन तो प्रतीकात्मक ही है हिंदुस्तान का, वेद और वन, तो आप आके ज़रूर यहाँ का लुत्फ उठाइए। तो गाइस मैं सबकी आंखों की कोर्निया और पुतलियाँ बना देता हूँ माँ दुर्गा का भी, क्योंकि अब यहीं से माँ दुर्गा की मूर्ति बोलना शुरू करेंगी। और अगर आपको ये मूर्ति रियल में देखना है तो वेदवन पार्क नोएडा सेक्टर 78 ज़रूर आइएगा, और यहाँ पे आप इसको साक्षात देख सकते हैं जो मैंने मूर्ति पेंट किया हुआ है। तो हमारे शेरू भैया को भी कर देते हैं, तो आँख इनकी बना दी, अब गुस्से वाली मुझे भी बनाना है और उनकी भी भवें बनानी है गुस्से वाली। गाइस अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी करें, और कोई सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये आपके सामने सारे पार्ट में जल्दी जल्दी पूरा कर देता हूँ। अब बारी आती होंठों की, तो होंठ जो मुस्कुराता हुआ भी हो और बोलता भी हो बगैर कुछ कहे हुए। और ये कार्तिक हैं, तो हमारे यहाँ कुछ, जब मैं मूर्ति पेंट कर रहा था तो कुछ बुज़ुर्ग भी बैठे थे वहाँ पे, तो बोले कि ये कार्तिक भगवान इतने सुंदर थे कि इनको, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं लेडी किलर। गाइस ये वाकई में बहुत सुंदर थे कार्तिक भगवान, जिनकी सुंदरता कहते हैं कि देवताओं में सबसे अधिक होती है। ये कार्तिक जी मतलब बहुत ही सुंदर थे। तो गाइस मैं भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हाथों की कार्तिक की प्रतिमा अगर मैं बना रहा हूँ तो सुंदर ही बने। बाकी आप लोग मुझे देख कर बताइए कि मैं इस पर कितना मेहनत किया और कितना कामयाब हुआ, ये तो आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट से पता चलेगा। गाइस अगर आपके मन में भी कोई मूर्ति संबंधित कोई भी सवाल प्रश्न हो तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं, और मैं कमेंट बॉक्स के नाम से एक वीडियो भी बनाता हूँ हर मंडे को, और उसमें अगर आपका कमेंट इंटरेस्टिंग रहा और तो उसको उसमें ज़रूर सम्मिलित करूँगा। तो गाइस हमारी मूर्ति पूरी तरीके से हो गई तैयार, आप जैसा कि देख सकते हैं सब प्रतिमा हो गया तैयार, और मैंने इसमें कहाँ तक मेहनत किया ये आपके कमेंट से पता चलेगा गाइस, और लाइक से पता चलेगा कि मैंने इस पर कितना मेहनत किया। तो गाइस देखिए नोएडा सेक्टर 78 का ये वेदवन पार्क, यहाँ पर जैसे कि ये मूर्ति का पूरा पंडाल रखा हुआ है और ये वेदवन पार्क है। तो अब चलते हैं इस मूर्ति को देखते हैं। मैं आया हूँ 2 दिन के बाद, यानी कि मूर्ति को अब पूरा सेटअप फुल करने के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई होगी, और मैं 2 दिन के बाद आया हूँ। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि मूर्ति का क्या कंडीशन है। गाइस वाओ, मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, हे भगवान, हे माँ दुर्गा मुझे आशीर्वाद देना, मैं आपको इतना सुंदर सजा पाया, इसके लिए आप लोगों का कृपा ही है। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं फुल वीडियो आपके सामने है, और ये वीडियो आपको कहाँ तक पसंद आया आप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यह रोमांचक यात्रा आपको कैसी लगी,
और गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।